में आप लोग का मोस्ट वेलकम। आज हम बनाएंगे खिचड़ा और बहुत ही स्पेशल खिचड़ा बनाने वाले हैं हम। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलिए रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम मिक्स्ड हलीम बना रहे हैं, खिचड़ा जिसे बोलते हैं। तो हम आज ये शाही हलीम मिक्स से बनाएंगे और ये शान का है, स्पेशल है। आप देख सकते हैं रेसिपी मिक्स स्पेशल, आप लोग जब भी बनाएं इससे बनाएं और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं, इसमें से आपको ये दो पैकेट्स मिलेंगे। ये हमारा कोरमे का मसाला है और इसमें आपके गेहूं और जौ ये मिलते हैं। तो रात हमने सोक कर दिया था, देखें, और ये बिल्कुल अब अच्छे से सोक हो गया है। तो हमें इसमें कुछ खास काम नहीं करना होता है। हम क्या करते हैं, इसमें हमें 150 ग्राम के करीब चने की दाल सिर्फ डालना होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है और हमने इनको रात भिगोकर रख दिया था। और जब भी आपको बनाना हो तो आप रात में ही भिगो दिया करें तो बहुत अच्छे से फूल जाता है ये। तो आज हम वही बनाएंगे, शान का हलीम मिक्स स्पेशल। तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतनी क्वांटिटी होती है इसमें कि आप 6 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेहूं, जौ और ये चने की दाल। वैसे तो दालें इसमें थोड़ी थोड़ी होती हैं लेकिन सिर्फ चने की दाल हमें ऐड करना होती है। तो आप इंस्ट्रक्शंस पर देख लीजिएगा, चने की दाल तो ऐड ही करनी होगी, बाकी दालें इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पहले से ही रहती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा कुकर लेंगे और सारी चीज़ों को हम बॉईल करने रखेंगे। और ये जो हमारा मीट है ना, इसको हम अलग कुकर में, सेपरेट कुकर में मसाले के साथ, जो अभी हमने आपको मसाला दिखाया ना उसके साथ बनाएंगे। बस हमें इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना होगा, तो वो भी आप चाहें तो डाल लें, लेकिन थोड़ा सा मैं डालती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो चलें कुकर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा कुकर लेंगे। ये मैंने बड़ा कुकर आपको इसलिए लेना है ताकि अच्छे से हमारी सारी चीजें उबल सकें। तो पानी हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना है, इसमें लगभग 1 ग्लास पानी और ऐड करूंगी। भी हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, आप चाहें तो न डालें लेकिन डालेंगे तो थोड़ा अच्छा मजा आएगा दालों का। 1 टीस्पून नमक, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी, हल्दी ज्यादा ही डलती है तो मैं लगभग 2 स्पून डाल रही हूँ। और साथ ही 2 तेज पात बे लीव्स ना जो होती है वो डाल दूंगी, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका लिड अभी नहीं लगाया है प्रेशर पर, सिर्फ खोलकर अभी पका रही हूँ। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना अच्छे से तब मैं इसका लिड लगाऊंगी। इससे ये एक फायदा रहता है, अगर आप अच्छे से इसमें उबाल आने के बाद इस तरह की चीजों में लिड लगाते हैं ना तो आपका कुकर गंदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा उफनेगा भी नहीं। हमने 1/2 किलो इतनी क्वांटिटी में ये शान के दालों के साथ, तो हम क्या करेंगे, कुकर लेते हैं और उसमें सारा मीट शिफ्ट कर और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, ये डालते हैं। डालेंगे थोड़ा, साथ ही 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। कितना सिंपल तरीके से ये हम कम टाइम में बिल्कुल रेडी कोरमा बना सकते हैं खिचड़ी के लिए। ये बीफ है तो लेकिन अभी थोड़ा पानी और डालूंगी, मैं डालूंगी इसमें लगभग 1/2 कप के पनीर।
ये टाइम लेगा कम से कम 15 से 20 मिनट, और 5 से 7 मिनट वही जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाई फ्लेम पर पकाइएगा और बाकी मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाइएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, थोड़ा चला दें इसको। अब हम देखें, आप बहुत अच्छे से सारी चीजें हमारी गल गई हैं। 20 से 35 मिनट पकाने के बाद देखें इसका प्रेशर निकाल रही हूँ और चेक करती हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, गेहूँ बड़े बर्तन में हम डालें निकाल लेंगे, अच्छे से गल गई हैं। कोरमा मैंने पकने के लिए रखे हैं ना, ये भी हम सब निकाल देंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे, कर सकते हैं, कर लेते हैं मैश। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, इतना ही भुना हुआ हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सालन को इसमें मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, अच्छे से मिला देंगे सालन को। सालन को मिलाने के बाद, ये जो कोरमा है ना उसको मिलाने के बाद थोड़ी देर पकाइएगा, और अगर आपको गाढ़ा लगे तो इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मुझे ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी डालने के बाद तैयार करेंगे, पकाइएगा थोड़ा सा अच्छे से, तब तक जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए। गैस का फ्लेम तो हमने पहले से ही ऑन कर रखा है, तो हाई फ्लेम पर थोड़ा अच्छे से इसे पका लें, भड़का लें। मैंने एक पैन लेकर इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म कर इसमें प्याज डाल दिया है, बारीक कटा हुआ इस तरह से भंगार वाला प्याज। और ये मीडियम टू लो फ्लेम पर आप प्याजों को फ्राई कीजिएगा, और बीच बीच में देखें इस तरह से चला भी दीजिएगा ताकि सब प्याज एक ही कलर के अच्छे से फ्राई हो जाएं।